हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग सेफ एंड हेल्दी होंगे अपने घर पे। आज का हमारा टॉपिक है बिल ऑफ एक्शंस के प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर तक पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया। एंड आज का जो हमारा प्रॉब्लम है टोटल क्या होगा, कंबाइंड प्रॉब्लम है, जिसमें मैंने आपको जो 4 केस सिखाए थे, रिटेन बिल, डिस्काउंटिंग बिल, एंडोर्स बिल एंड बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ये चारों एक में ही आने वाले हैं। जो आपको समझने के लिए क्या होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज पूरा सम देखेंगे, पूरा प्रॉब्लम देखेंगे कैसे हो रहा है, बिल हॉनर हुआ है, सारे बिल हॉनर हो रहे हैं, उसकी एंट्री कैसे हो रही है। सो देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पूरा प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे दिखेगा और ये प्रॉब्लम आपके महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है, पेज नंबर आपका 279 पे। सो देखेंगे, दिया है यहां पे, आकाश ड्रू अ बिल ऑन दीपक फॉर ₹25,000। आकाश ने बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर, दीपक के ऊपर, कितने का, 25,000 का, ऑन 23rd ऑफ दिसंबर 2019 फॉर 3 मंथ। एंड दीपक एक्सेप्टेड द सेम, दीपक ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट किया एंड रिटर्न इट टू आकाश। दीपक आपको पता है ड्रॉ क्या करता है, बिल को एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट करके क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज हॉनर्ड बाय आकाश, भाई दीपक, और ड्यू डेट को बिल क्या हो गया, हॉनर हो गया, किसने हॉनर कर दिया, दीपक ने। ना अगर सिर्फ यहां पे क्या हो रहा है, बिल ड्रॉ कर रहे, ड्रॉ क्या कर रहा है, बिल को एक्सेप्ट करके क्या कर दे रहा है, रिटर्न, और ड्यू डेट को बिल क्या, हॉनर। देखा जाए तो बहुत छोटा प्रॉब्लम है, बट आगे दिया है, गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आकाश एंड दीपक, गिव जनरल इन द बुक्स ऑफ आकाश ड्रॉवर एंड दीपक ड्रॉइंग, दोनों के बुक में एंट्री करनी है। सो देखेंगे एंट्री कैसे होगी, अंडर ईच ऑफ दी फॉलोइंग केसेस, अभी केसेस दैट मींस और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहां पे केस है, वो 4 केस जो मैंने आपको सिखाया था, फर्स्ट देखेंगे आपका दिया वहां पे, इफ आकाश रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी, अगर आकाश ने बिल को क्या किया, रिटेन किया, रिटेन मीन्स और अपने पास रखा, तब तक टिल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी दैट मींस वॉट, ड्यू डेट तक अपने पास रखा, मतलब यहां पे उसने ना डिस्काउंटिंग कराया, ना इंडोर्स कराया, ना बैंक फॉर कलेक्शन को, ड्रॉइंग ने अपने, सॉरी ड्रॉवर ने अपने पास बिल को रखा, दैट इज कॉल्ड एज रिटेन, उसकी हॉनर की एंट्री क्या होगी। सेकेंड आपका बी दिया है, इफ आकाश डिस्काउंटेड द बिल, अगर आकाश ने क्या किया, बिल को डिस्काउंट करा दिया विथ द बैंक एट 6% पर एनम ऑन द सेम डेट, सेम डेट को आकाश ने क्या किया, बिल को डिस्काउंट करा दिया, उसकी हॉनर की एंट्री क्या होगी। थर्ड आपका दिया सी, इफ आकाश सेंट द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 23rd ऑफ दिसंबर 2019, मतलब यहां पे आकाश ने बिल को सेंड कर दिया किसको, बैंक फॉर कलेक्शन को, उसकी हॉनर की एंट्री क्या होगी। एंड लास्ट फोर्थ है, इफ आकाश एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर वीरेन, यहां पे आकाश ने क्या किया, बिल को एंडोर्स कर दिया किसको, अपने क्रेडिटर को, किसको, थर्ड पार्टी वीरेन को। तो ये चारों केस में हॉनर की एंट्री हमको करनी है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आपके समझने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बिकॉज चारों केस एक साथ में। तो देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम कैसे करेंगे, यहां पे 2 पार्टी है, दैट इज ड्रॉवर एंड ड्रॉइंग, आकाश कौन है, ड्रॉवर, दीपक कौन है, ड्रॉइंग। आकाश ने क्या किया, बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर, दीपक के ऊपर, दीपक ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट करके क्या कर दिया, रिटर्न। तो यहां पे हमारी फर्स्ट एंट्री बनती है बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड की एंट्री होती है, और आपका डेट है 23rd ऑफ दिसंबर 2019। जगह कम पड़ जाएगा तो थोड़ा सा होगा, यहां पे इसको लिखता हूं, यहां पे कॉलम मैंने बनाया नहीं है, आप कॉलम बनाकर लिखेंगे 23rd ऑफ दिसंबर 2019। हमने बिल ड्रॉ करके किसको दिया था, दीपक को, दीपक ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट करके क्या कर दिया, रिटर्न। तो हमारे पास क्या आ रहा है, बोलिए क्या आ रहा है, बिल आ रहा है। आपको पता है पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, वी आर द रिसीवर, ड्रॉवर रिसीवर है, आकाश रिसीवर है, बट आपको पता है कि आकाश के बुक में आकाश का नाम नहीं आएगा, इसलिए बिल आ रहा है। और उसके बाद किसने दिया आपको, दीपक ने दिया,
तो दीपक पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड पेड द गिवर, तो हमारे बुक पे एंट्री क्या होती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट, एंड बिल का अमाउंट कितना आपका 25,000। आपके पास कॉलम रहेगा प्रॉपर डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट का अमाउंट आप लिखेंगे क्रेडिट में लिखेंगे, नरेशन हो जाएगा हमारा बिल, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव, ये किसके बुक में एंट्री हो जाएगा आपका, ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाएगा। ड्रॉइंग के बुक में अगर ये एंट्री करे सेम डेट को, तो ड्रॉइंग ने क्या किया बिल को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया, तो आप बताइए दीपक के पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है आकाश, बिल जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा और आकाश इज द रिसीवर, तो दीपक के बुक में सेम डेट 23rd of December 2019 को एंट्री होगी आकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट एंड दैट अमाउंट इज 25,000। नरेशन, बिंग बिल एक्सेप्टेड एंड रिटर्न, बिल एक्सेप्टेड रिटर्न, बिल बिल एक्सेप्टेड एंड रिटर्न, ये फर्स्ट एंट्री होगी हमारी, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। आपको पता है इसके बाद हम क्या करते हैं, वेट करते हैं, किसका वेट करते हैं, ड्यू डेट का। तो यहां पे बिल हॉनर है, बट यहां पे फोर केसेस है और चारों केसेस में हमको एंट्री करना है, यहां पे हम अलग अलग डेट लिखेंगे, यहां पे फर्स्ट ए, और सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ड्यू डेट। यहां पे फर्स्ट आपका जो है वो रिटेन बिल है, आपको दिया था इफ आकाश रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी, मतलब यहां पे आकाश ने क्या किया, बिल को अपने पास ही रखा है कब तक, टिल ड्यू डेट, और ड्यू डेट को बिल क्या हो गया हॉनर, दैट मीन्स व्हाट, आप बोलो आकाश किसके पास जाएगा, दीपक के पास, दीपक को क्या देगा बिल और दीपक इसको क्या देगा कैश, तो आप सोचिए हमारे पास क्या है, कैश आ रहा है और क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, और यही एंट्री अगर हम दीपक की बुक में एंट्री करते तो क्या होगा, दीपक के पास क्या आ रहा है, बिल आ रहा है और कैश जा रहा है, तो एंट्री आपको पता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने किया हुआ है, आप बताइए हमारे पास मतलब आकाश के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है बिल जा रहा है, कैश इज अ रियल अकाउंट, तो आपका ड्यू डेट सबसे पहले हमको ड्यू डेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, 3 मंथ का आपका ड्यूरेशन है, 23rd of December to 23rd of January 1 month, 23rd January to 23rd Feb 2 month and 23rd Feb to 23rd March 3 month plus 3 days extra उसमें add करना रहता आपको, तो 26th of March हमारा due date होगा, 26th of March और 2020 कैसे हो जाएगा, देखो मेरा 2019 December का year change हो गया, तो 2020 लिखेंगे और हॉनर की एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 25,000। नरेशन, बिल इज हॉनर, बिल इज हॉनर, सिंपल आपका नरेशन, एंड नरेशन का कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, वापस एक बार देखेंगे ड्यू डेट को हम किसके पास गए, दीपक के पास, दीपक को क्या दिया बिल दिया, दीपक ने क्या दिया कैश, हमारे पास क्या आ रहा है कैश आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा और बिल जा रहा है तो क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। नाउ सेम एंट्री अगर हम ड्रॉइंग के बुक में करें, केस वन ए फर्स्ट आपका एंड डेट वेगा 26th of March 2020,
दीपक के पास क्या हो रहा है, दीपक के पास बिल आ रहा है और कैश जा रहा है, तो दीपक क्या बोलेगा, कैश जा रहा है बिल आ रहा है, और दीपक के बुक में बिल्कुल क्या लिखता हूं, बिल्स पेबल, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड दैट अमाउंट इज 25,000। आप प्रॉपरली डेबिट का अमाउंट डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। नरेशन बिंग आवर एक्सेप्टेंस इज ऑनर, ऐसा भी लिख सकते आवर एक्सेप्टेंस इज ऑनर इज ऑनर। ये फर्स्ट हमारा केस कंप्लीट हुआ, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ आपका। सेकेंड अगर आप देखेंगे तो दिया था इफ आकाश डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक, अगर आकाश ने क्या क्या बिल को डिस्काउंट किया विद हिज बैंक एट 6% पर एनम, तो आपको पता है अगर आकाश ने बिल को डिस्काउंट किया दैट मीन्स, और यहां पे एक बार देख लेंगे आकाश दीपक बिल किसके पास है, आकाश के पास, आकाश ने क्या किया बिल को डिस्काउंट करा दिया था बैंक में, तो आपको पता है हम किसके पास जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं, बैंक को क्या दिया हमने बिल दिया, और इसके बिहॉफ में बैंक हमको क्या देता है कैश, बट आपको पता है यहां पे कैश के बिहॉफ में हम बैंक लिखते हैं, रीजन इज दैट कि अकाउंट में पैसे आते हैं डायरेक्टली, और कब देता है डिस्काउंट काटने के बाद। तो एंट्री मैंने बताया था एकदम कॉमन एंट्री, हमेशा बार बार ये रिपीट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, देखिए बिल जा रहा है हमारे पास से पैसे आ रहे हैं और डिस्काउंट हमारा लॉस है, पैसा आ रहा है रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट हमारा लॉस है नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिल जा रहा है हमारे पास से पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बिल जा रहा है तो क्रेडिट, ऐसा भी याद रखो। एंट्री बन गई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बट डिस्काउंट का अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो डिस्काउंट का अमाउंट फाइंड आउट करना कितना परसेंट देखिए आपको दिया हुआ है 6% दिया है, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट, मैं इसको बाद में रफ कर दूंगा तो आपको लिख के रखना है, तो आप लिख सकते हैं अमाउंट 25,000 इंटू 6% इंटू 3 मंथ, परसेंट का सिंबल दे देता हूं अपॉन 100 इंटू 12, फाइंड आउट करेंगे 3 1 3 3 4 12, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, नाउ 2 2 4 2 3 6 क्या करेंगे फिर 250 × 3 कितना होगा आपका 750, यस 750 डिवाइडेड बाय 2, 2 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे कितना आएगा बोलिए 2 3 6 1 आपका यहां पे क्या रहेगा 1 और 5 कितना हो जाएगा 15, 2 7 जा क्या होगा आपका 14, कितना रिमेनिंग यहां पे 1 और 0 कितना हो जाएगा 10, तो 2 5 10 तो हमारा डिस्काउंट का अमाउंट आएगा 375, दैट मीन्स और जो हम बिल देंगे बैंक को 25,000 का, बैंक क्या करेगा उसमें से 375 माइनस करेगा और आपके अकाउंट पे कितना ट्रांसफर कर देगा 24,625। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अगर आपने ये लिख लिया रहेगा आपको ये समझ में आ गया रहेगा, तो मैं एंट्री करने जा रहा हूं इसको रफ करने जा रहा हूं आप लिख लेंगे तब तक। एंट्री क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, आपके सामने उसको बाद में रफ करूंगा, और डेट आपका सेम डेट रहेगा डिस्काउंट का 23rd of December 2019। एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, एन अमाउंट आपने देखा बिल कितने का गया था आपके पास से 25,000 का बिल गया, बैंक में आपको कितना दिया 24,625 एंड डिस्काउंट का अमाउंट कितना आपका आपने फाइंड आउट किया दैट इज 375।
नरेशन क्या रहेगा, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, आप लिख सकते हैं आगे भी एट 6% पर एनम, एट 6% पर एनम लिख देता हूं मैं, एट द रेट 6% पर एनम, पर एनम दैट मीन्स व्हाट, पर ईयर। यहाँ पे 3 मंथ का बिल था, इसलिए डिस्काउंट भी कितने मंथ का मिला, 3 मंथ का, कितना आपका 375। नाउ इसको मैं रफ कर रहा हूं। नाउ आकाश ने क्या किया, बिल को बैंक में डिस्काउंट करा दिया। डिस्काउंट कराने की ट्रिक आप सबको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया वो भी आपने देख लिया। नाउ डिस्काउंट कराने की एंट्री ड्रॉई के बुक में क्या होती है, तो आपको पता है डिस्काउंट कराने की एंट्री ड्रॉई के बुक में नहीं होती है। नाउ ड्यू डेट को ये बिल क्या हो गया, हॉनर हो गया, ड्यू डेट को बिल क्या हो गया, हॉनर। अगर ड्यू डेट को बिल क्या होता है, हॉनर होता है, तो आपको पता है यहाँ पे एंट्री सिर्फ किसके बुक में होती है, ड्रॉई के बुक में होती है। डिस्काउंटिंग बिल इज हॉनर, अगर डिस्काउंटिंग बिल हॉनर हुआ तो ड्रॉई के पास क्या आ रहा है, बिल आ रहा है, कैश जा रहा है, तो हॉनर की एंट्री सिर्फ किसके बुक में होगी, ड्रॉई के बुक में होगी, ड्रॉवर के बुक में नहीं होगा। और डेट क्या रहेगा आपका, सेम 26th of March, 26th of March 2020 ड्रॉई के बुक में, हॉनर की एंट्री, डिस हॉनर की एंट्री ऑलवेज सेम होती, बिल आ रहा है, कैश जा रहा है, तो ड्रॉई के बुक में एंट्री हो जाएगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, द अमाउंट इज 25,000। नरेशन बिंग बिल इज हॉनर, बिल इज हॉनर, ड्रॉई के रूप में एक ही एंट्री होगी। नाउ डिस्काउंटिंग के बाद हमारा जो थर्ड केस है, सी दैट इज बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। बिल को देखो आपने सेंड किया किसको, बैंक फॉर कलेक्शन, तो सिंपल वही होगा आपका, देखो आकाश दीपक, बिल किसके पास है, आकाश के पास, आकाश ने बिल को किसको सेंड कर दिया, बैंक फॉर कलेक्शन। तो आप बताइए हमारे पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है किसके पास, जा रहा है बैंक फॉर कलेक्शन, बिल जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, किसके पास जा रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन, एंट्री बन गई हमारी, एंट्री हो जाएगी हमारी, सेम डेट 23rd of December 2019 एंट्री क्या हो जाएगा आपका, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 25,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट सेम 25,000। नरेशन बिंग बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, बिंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल को हमने सेंड कर दिया किसको, बैंक फॉर कलेक्शन को। और उसके बाद वापस किसका वेट करते हैं हम लोग, ड्यू डेट का वेट करते हैं, एंड ड्यू डेट को हमारा बिल क्या होता है, हॉनर हो गया। तो अगर बिल हॉनर क्या, ड्यू डेट को देखो बिल किसके पास है, बैंक के पास, एक यही केस है, कौन सा आपका, बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, अगर वो बिल हॉनर होता है तो ड्रॉवर के रूप में भी एंट्री होती है, बिकॉज बिल हमने किसको दिया है, बैंक को, क्या करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक किसके पास जाएगा, ड्रॉई के पास, दीपक के पास, दीपक को क्या देगा, बिल, और दीपक इसको क्या देगा, कैश, और यही कैश बैंक लाकर किसको दे देता है, आकाश को। तो आकाश के बुक में यहां पे एंट्री होगी, आकाश के बुक में एंट्री क्या बोली, आकाश के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, और कौन दे रहा है, दीपक दे रहा है क्या, नहीं दीपक नहीं दे रहा है, कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। तो हॉनर की एंट्री यहां पे हो जाएगी हमारी, ड्यू डेट 26th of March 2020 हॉनर की एंट्री हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, कैश और बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक,
हर जगह लिख सकते हैं कैश बैंक कोई प्रॉब्लम नहीं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन, टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, एंड यहां पे अमाउंट 25,000। थोड़ा सा आपने सोचा लगा यहां पे, सर हमने तो सुना था कि बैंक फॉर कलेक्शन अगर हॉनर होता है एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, बट यहां पे बैंक चार्जेस गिवन नहीं है, और गिवन नहीं तो हम जबरदस्ती लगाएंगे कि यहां पे नहीं लगाएंगे, बैंक ने पूरा पैसा दे दिया बाद में चार्ज लेगा आपसे, उसको हमको नहीं देगा। प्रॉब्लम है गिवन है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, नरेशन बिन बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन इज हॉनर, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन इज हॉनर, एंड ये एंट्री ड्रॉइंग के बुक में हॉनर की एंट्री क्या होगी, आपको पता है कि ड्रॉइंग के बुक में हॉनर की एंट्री क्या होती है, सेम ड्रॉइंग के बुक में हॉनर की एंट्री यही होगी, अगेन हॉनर की एंट्री यही होगी, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हॉनर की एंट्री यही होने वाली कंफर्म। देखिए आप बीस पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीस पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वापस से यहां पे लिखूंगा तो वही लिखूंगा क्या, बीस पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सेम डेट सेम अमाउंट, तो ड्रॉइंग के बुक में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, हॉनर की एंट्री हो चुकी है, मैं ये नहीं लिखता तो भी चलता बिकॉज ऑलरेडी यहां पर लिखा है मैंने। नाउ ये बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन की एंट्री होगी हमारी। नाउ लास्ट आपका केस है, आपके ड्रॉवर ने आकाश ने क्या किया, बिल को एंडोर्स कर दिया, किसको, अपने क्रेडिटर को, और क्रेडिटर कौन आपका वीरेन, मतलब एंडोर्स कर दिया, तो मैंने आपको बता दिया कि आकाश दीपक बिल किसके पास है, आकाश के पास, आकाश ने अपने क्रेडिटर वीरेन को, वीरेन को क्या कर दिया, बिल इंडोर्स कर दिया, तो आकाश के पास से क्या जाएगा, बिल जाएगा, कुछ आने वाला नहीं, ऑलरेडी हमने दिए रहेंगे, तभी तो वीरेन हमसे पैसे मांग रहा था, सो दैट हमने बिल क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। तो यहां पे आप बोलिए हमारे पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है, वीरेन के पास, तो हमने बिल को क्या कर दिया, एंडोर्स, तो बिल जा रहा है, क्रेडिट हो जाएगा, किसके पास जा रहा है, वीरेन के पास, वीरेन पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो हमारी एंट्री होती है सेम डेट आप करेगा 23rd of December 2019, एंट्री हो जाएगा वीरेन अकाउंट डेबिट, वीरेन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, एंड दैट अमाउंट इज 25,000। नरेशन बिंग बिल इंडोर्स, बिंग बिल इंडोर्स टू क्रेडिटर, लिख सकते बिंग बिल इंडोर्स टू क्रेडिटर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बिल हमने इंडोर्स कर दिया, ड्यू डेट को ये बिल भी क्या हो जाएगा, हॉनर हो जाएगा, तो बिल हॉनर हो गया तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री नहीं होती है बिकॉज ऑलरेडी हमने पैसे लिए रहे से, बट हॉनर की एंट्री किसके बुक में होती है, ड्रॉई के बुक में होती है, और ड्रॉई के बुक में यही एंट्री, देखो दो दो बार लिखा है मैंने, तीसरी बार चार बार, चार बार हॉनर की एंट्री से यही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हॉनर की एंट्री वही रहेगी हमारी सेम डेट आप करेगा 26th of March, बिकॉज वीरेन किसके पास आया रहेगा, ड्यू डेट को दीपक के पास, दीपक को क्या दिया बिल, और दीपक ने इसको क्या दिया कैश, तो दीपक क्या बोलेगा, बिल आ रहा है कैश जा रहा है, आपको बताया कि ड्रॉइंग के बुक में कोई भी केस होने दो हॉनर की एंट्री एक ही होती है, बिल आ रहा है कैश जा रहा है, देखिए दो ऑलरेडी एंट्री हुई है, दो वापस सेम एंट्री यहां पे होने वाली है, तो आपका प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट हो गया, एंड आपको समझ में आया रहेगा, बिल ड्रॉ करके एक्सेप्ट किया आपने, फर्स्ट बिल रिटेन बिल इज हॉनर, सेकेंड आपका डिस्काउंटिंग बिल, डिस्काउंटिंग बिल हॉनर हो गया तो ड्रॉ के रूप में एंट्री नहीं होती है, थर्ड बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन वो भी हॉनर हो गया तो इसी केस में एंट्री होती है ड्रॉ के बुक में, एंड फोर्थ आपने क्या किया बिल को एंडोर्स कर दिया आपने क्रेडिटर को, जिसको वीरेन को एंट्री हो गया आपका बिल वीरेन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये आपकी टोटल एंट्री इस प्रॉब्लम की कंप्लीट हो गई, एंड जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट करके पूछ सकते हो, डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा, या लाइव सेशन में भी हम लोग क्या करेंगे क्लियर करेंगे उसको।
ओके एंड नाउ इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम एक एक पूरा जो बोर्ड में प्रॉब्लम बनता है उस बेस से हम लोग क्या करने वाले प्रॉब्लम करने वाले ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं, बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग ठीक है। थैंक यू।